वेलकम टू पेप्सी एंड पीसीबी क्रिकेट स्टार्स, आई एम अहमद सफदर। हम आए हुए मुल्तान में। नौ सौ बच्चे में से फाइनल 50 लड़के सेलेक्ट हो गए हैं जो मेरे पीछे इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। फाइनल 50 लड़कों में अभी सेलेक्ट हुए, अभी बहुत लंबा रास्ता है, पूरे पाकिस्तान से और लड़के आएंगे, तो क्या गेम प्लान किया हुआ, तैयारी क्या करोगे? अब मैं आगे भी अच्छा खेलूंगा इंशाल्लाह, आप सबको नजर आ जाएगा कि पेप्सी वाले देखेंगे बहुत अच्छा, नया टैलेंट मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, जरूर सेलेक्ट होऊंगा पाकिस्तान के। क्या ढूंढ रहे हैं, बैट्समैन ढूंढ रहे हैं, बॉलर ढूंढ रहे हैं, विकेट कीपर ढूंढ रहे हैं? हम ये तीनों ही टाइप के प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं। अगर हमें अच्छा बॉलर मिलता है तो हम रख रहे हैं, अच्छा बैट्समैन कीपर, जो भी हमें अच्छा मिल रहा है वो हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो टैलेंट एंड स्कीम है, जो पेप्सी के तावन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसका ये इनकार किया है, इससे जो है निचली सतह से जो है ना टैलेंट जो है ना वो उजागर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इंतहाई आसन इक्तदाम है। पेप्सी ने जो तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया कि तुम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हो, क्या कहना चाहोगे? बस ये एक अच्छा मौका है यंगस्टर्स के लिए, जिनको मतलब जिनमें टैलेंट है वो आके इधर अपनी मतलब परफॉर्मेंस दे और सिलेक्ट हो पाकिस्तान के लिए खेलें। अच्छा कलीम साहब, पेप्सी ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आप आएँ और अपने बच्चों को, अपने रीजन के बच्चों को सिलेक्ट करें और पाकिस्तान टीम में खेलने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत अच्छा है, मैं पेप्सी का बहुत थैंक्स करता हूँ। ये अच्छे इवेंट्स होने चाहिए, मेगा इवेंट्स हैं ये, पेप्सी बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा पेप्सी। पेप्सी ने जो तुम्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि तुम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हो, इसमें क्या कहना चाहोगे? पेप्सी और पीसीबी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनका कहूँगा कि वो क्रिकेट को और ज़्यादा बढ़ाएं। पेप्सी पीसीबी क्रिकेट स्टार सिर्फ ARY म्यूजिक पर।